कर देना चाहिए था, नीतीश कुमार का रास्ता हमेशा के लिए बीजेपी को बंद कर देना चाहिए था। हर एक साल पे जनमत जो उनको मिलता है, वोट जो मिलता है, उनका दुरुपयोग करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जितना बीजेपी जदयू को ऊपर ले गया है। मोदी को फायदा है और नीतीश कुमार को फायदा है, तभी तो वो आ रहे हैं। तो वो दूसरी पार्टी की बात की जाए तो बिहार में हुई, हाँ, बीजेपी खुद के दम पे सरकार कभी भी बिहार में नहीं बना पाएगा। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा ही है। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा ही है। तब तो जाके मिला नीतीश से, नीतीश कुमार मिले थे जाके। हाँ तो ठीक है, नीतीश ही ने मिले हैं। हाँ। तो क्यों लिए? बोले थे हम बीजेपी को से नहीं उसको जाएंगे, लेकिन फिर क्यों गए? हाँ। फिर से जा रहे हैं। हाँ, फिर से जा रहे हैं ना। बीजेपी हिस्सा बना लेगी या नहीं? हाँ। बीजेपी तो मांग ही रहा है। बीजेपी को चाहिए नीतीश, चाहिए तभी तो बनाएगा सरकार, नहीं तो बीजेपी का खुद का दम तो है ही नहीं सरकार बनाने के लिए। कर देना चाहिए था नीतीश कुमार का रास्ता हमेशा के लिए बीजेपी को बंद कर देना चाहिए था। जिस तरह अमित शाह ने भरी सभा में बताया था कि हमेशा के लिए नीतीश कुमार का अब दरवाज़ा बंद हो चुका है, उसी तरह दिखा देना चाहिए था। नीतीश कुमार को लेना ही नहीं चाहिए था। वो दर दर के ठोकरे खाते, ठीक है, और वो जो कर रहे हैं उनका फल उनको मिल जाता। हर एक साल पे जनमत जो उनको मिलता है, वोट जो मिलता है, उनका दुरुपयोग करते हैं। पहली बात तो बीजेपी की अगर आप बात कर रही हैं तो बिहार का जो यथास्थिति रही है तो नीतीश जी ने पहले भाजपा में किया जाके, अब तेजस्वी का सपोर्ट किया, तेजस्वी का सपोर्ट करने के बाद उनकी सरकार स्थापित हुई थी। भाजपा में के दबाव जब उनके पास रहा है तो उन्होंने जिस तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको एक सहयोग मिला, तो अभी तक की सरकार जो नीतीश की और तेजस्वी की चली है बहुत शानदार सरकार चली है। भाजपा की जब सरकार रहती है, भाजपा के साथ सहयोग करके वो सरकार चलाते हैं, तो दबाव में सरकार चलती है, चाहे कहीं की स्थिति देख लें। मैं स्वयं एक मध्य प्रदेश से आता हूँ, मध्य प्रदेश में जिन विधायकों का अगर सहयोग रहा है भाजपा के लिए उन पर कोई दबाव की राजनीति नहीं होती। जो अन्य दल के नेता होते हैं, अन्य विधायक होते हैं, उन पर दबाव की राजनीति भाजपा करती है। तो भाजपा किसी ना किसी तरीके से अंदर पर षड्यंत्र करके नीतीश के साथ कुछ ना कुछ कर रही होगी, निश्चित तौर से। आप जो मानकर आप कह रहे हैं नीतीश कुमार पे दबाव भी होगा। नीतीश इतना मजबूत नेता है कि नीतीश इन भाजपाइयों से डरने वाला नहीं है, ना ये गठबंधन। भाजपा सिर्फ दिखा रही है, मीडिया दिखा रहा है कि गठबंधन होगा, लेकिन नीतीश डरने वाला नहीं है। जो लगातार बैठ के राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यालय में लगातार होती रही है, तो ये मानकर चलिए आप इंडियन गठबंधन पुरजोर तरीके से सहयोग में हो। इंडियन गठबंधन से भाजपा सरकार डरी हुई है, निश्चित तौर से आप मानिए कि इस भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। और निश्चित भाजपा कभी भी दबाव की राजनीति नहीं किया है। नीतीश कुमार को भाजपा ने बढ़ाया, 40 सीट जीतने के बाद भी नीतीश कुमार को सीएम का पद मिला, क्योंकि उन्होंने पहले कमिटमेंट कर दिया था कि सीएम का चेहरा नीतीश कुमार ही रहेंगे। और 2020 में आपने देखा होगा, 2020 में जो इलेक्शन हुआ था, नीतीश कुमार का को कितना सीट आया था। बीजेपी चाहती तो सीएम बना सकता था, लेकिन बीजेपी ने नहीं बनाया, नीतीश कुमार को ही चेहरा बनाया, ठीक है। और जहां तक बीजेपी नीतीश कुमार को, बिहार में भाजपा को जानता कौन था? बिहार में भाजपा थी कब? बिहार में आपकी भाजपा थी कब? नीतीश जी के पहचान के कारण ही भाजपा स्थापित हुई है बिहार में। बिहार में भाजपा का नाम नहीं था स्थापित। आपको बुरा लगता है जब पंजाब में आपकी सरकार इसी केजरीवाल सरकार ने गिरा दी थी। मैं मानता हूँ कि पंजाब में आप स्थापित करने के लिए भाजपा किसी भी कुब्बत पर जा सकती है, लेकिन निश्चित तौर से आप ये मानकर चलिए कि नीतीश की पहचान से भाजपा की पहचान हुई है, ना कि भाजपा की पहचान पर नीतीश की पहचान हुई है। गलत बोल रहे हैं सर जी। 2005 में जब नीतीश कुमार शपथ ग्रहण लिए थे ना, तो भाजपा के कारण ही लिए हुए थे। आप देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको रेल मंत्री बनाया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको सीएम बनाया था, और बीजेपी के सपोर्ट से ही जदयू आगे बढ़ी है। जदयू ऐसा कुछ भी नहीं है जितना बीजेपी जदयू को ऊपर ले गया है। बताइए सर, आप बोलिए। एक्चुअली जो ये कह रहा है हमारा बच्चा, भाजपा नीतीश के कारण बिहार में इंट्रोड्यूस हुई है। बीजेपी की थी कितनी सीटें? जब तक कि यह गठबंधन नहीं हुआ था कुल 2 सीटें हुआ करती थी, लेकिन भाजपा के साथ रहते रहते आज भाजपा ने वहाँ प्लेटफॉर्म बनाया है। और फिर नहीं, आप गलत कह रहे हैं, नीतीश के कारण भाजपा इंट्रोड्यूस हुई है वहाँ पे, नहीं तो बिहार में भाजपा का कोई नाम लेने वाला था नहीं। और यही स्थिति उसने पूरे देश में बना के रखी है। लेकिन आने वाले समय में आप मान के चलिए कि चाहे यूथ हो, चाहे हम लोग हों, सभी लोग ये चाह रहे हैं कि देश में इस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित हो कि लोग खुली हवा में सांस ले सकें। लेकिन यहाँ पर तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, लगातार बीजेपी सरकार कह रही है लोकतंत्र मजबूती में है। तानाशाह तंत्र मजबूत हो रहा है, लोकतंत्र मजबूत नहीं हो रहा। फायदा या नुकसान? फायदा या नुकसान?
मोदी को फायदा है और नीतीश कुमार को फायदा है, तभी तो वो आ रहे हैं। अच्छा, क्या फायदा हो जाएगा? वही एक तरफ इस तरफ जा रहे हैं, एक तरफ इस तरफ जा रहे, वो कहीं इधर उधर नहीं टिकेंगे, मोदी के ही पास आके वो रुक जाएंगे। मोदी जी की तारीफ भी कर रहे हैं तो तारीफ करेंगे नहीं, उनकी पार्टी में आ रहे, पहले बुराई कर रहे थे अब तारीफ कर रहे हैं। इससे पहले उन्हें तारीफ की थी तो मोदी के पास थे, जब उनकी शिकायत की तो वो दूसरे पार्टी के पास चले गए, अब उनकी तारीफ करेंगे तभी तो उनके घर पे जगह मिलेगा उनको। यकीन करने लायक है नीतीश कुमार या नहीं? अब तो यकीन करने लायक तो नहीं है, लेकिन वो मोदी जी ऐसे इंसान है ना, चाहे यकीन करने लायक हो या ना हो, वो हर किसी को अपना समझ लेते हैं, मौका दे देते हैं। हाँ, हर किसी को मौका, बड़े दिल वाले हैं, बहुत बड़े दिल वाले हैं, तभी तो राम मंदिर बन गया, इतने बड़े दिल वाले हैं। तो चलिए ठीक है, ये बोलना चाह रहा है, मतलब नहीं पता मैं क्या बोलूँ, मैं क्या बोलूँगा। हाँ, तो मेरा सवाल यही था कि किसको फायदा किसको नुकसान? देखिए, यहाँ पे फायदा नीतीश कुमार को होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि अब मुझे विपक्ष में प्रधानमंत्री पद की चेहरा नहीं बनाएंगे ये लोग, इसलिए वो वहाँ से अब गठबंधन तोड़ के बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, ताकि आगे इनके लिए राह आसान हो जाए, इनकी सरकार बन जाए, नहीं तो इनको पता है कि अब विपक्ष भी मुझे लात मार के भगाएगी वहाँ से, इसलिए ये यहाँ पे सपने आ रहे हैं। एनडीए गठबंधन भी तो पीएम का चेहरा नहीं बनाएगा उन्हें? एनडीए गठबंधन में तो बिल्कुल नहीं बनाएगा, और उनको तो लग रहा था मुझे विपक्ष बना देगा पीएम का चेहरा, इसलिए तो वो विपक्ष के पास गए थे। संयोजक तो बनाया नहीं गया, बिल्कुल। हाँ, क्यों बनाया जाएगा उनको? उनको सीट मिलती कितनी है? 17 सीट 18 सीट पे वो लड़ते हैं बिहार में, तो उनको क्यों बनाएगा? बड़े बड़े पार्टी बनेंगे जिनको ज्यादा सीटें आती है। और रही बात, बोल रहे थे एक भाई साहब जो बेरोजगारी का, आप एक चीज बताओ, रोजगार किसको चाहिए? युवा को चाहिए। यहाँ पे कोई युवा बोलेगा मुझे बेरोजगारी नहीं, हम बेरोजगारी हैं? कोई नहीं बोलेगा हम बेरोजगारी हैं, सबका सब मोदी का तारीफ कर रहा है। अरे सुनो भाई, नहीं है, झूठ बोलने में क्या दिक्कत है यार?